अभी बज रहे हैं सुबह का 7:07 एंड हम लोग अभी हैं पाम्बन ब्रिज पे। एंड कल जो मैंने ट्रेन वाला सीन दिखाया था वो पाम्बन, वो रेलवे ट्रैक था, बट दिस इज़ पाम्बन रोड ब्रिज, ठीक है। एंड यहाँ से सारे व्हीकल वगैरह जाते हैं, तो कुछ ऐसा सीन है, मतलब इस तरफ भी ओशन है एंड हमारे पीछे भी ओशन है, ठीक है गाइस। एंड अभी सुबह का टाइम पे हम लोग जिस ट्रेन से आए थे MSRMM एक्सप्रेस, उसी ट्रेन को हम लोग कैप्चर करेंगे पाम्बन ब्रिज में, वो अभी इधर से क्रॉस करेगा। तो भाई आप लोग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करो, एंड साथ ही में कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है ये पूरा सिनेरियो। आप बगल में ये जो रोडवे वाला ब्रिज है ना, अगर कोई हेवी व्हीकल इधर से जाता है तो ब्रिज थोड़ा सा हिलता है, पता नहीं ऐसा क्यों। एंड क्या ये जो रेलवे ट्रैक का तो हालत बहुत खराब है यार, बहुत ज़्यादा रश वगैरह लग गया है। एंड देखा जाए तो जो MSRMM एक्सप्रेस है वो अभी मंडपम पहुंच गया है, आप जैसे कि देख सकते हो, एंड मंडपम से छूट गया, अभी जस्ट अराइव होने वाला है, तो उस साइड पड़ने वाला है, हम लोग उस साइड जाते हैं एंड कैप्चर करते हैं कैसा लग रहा है। हेलो, ये वाला जो टोटल ब्रिज है ना इसको बोलते हैं कैंटिलीवर ब्रिज, एंड इसी से हमारा ट्रेन कुछ उधर से ऐसे करके आके कुछ उधर जाता है रामेश्वरम तक, इधर मंडपम स्टेशन है, यहाँ से आके रामेश्वरम तक जाता है। एंड ये वाला ब्रिज ना, जब इधर से बड़े बड़े शिप्स आते हैं भाई, उधर चाइना वाइना या US वगैरह से, अब मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट भाई किधर से आता है, तो ये ब्रिज कुछ इधर से एंड कुछ इधर से ऐसे खुल जाता है, मतलब जो हम लोग का हावड़ा ब्रिज में कुछ ऐसे सिस्टम था, बट उसका की हरा गया, बट इसका की अभी भी लोगों के पास है। तो भैया जी, इट्स 7:51 AM इन द मॉर्निंग एंड अभी हम लोग सामने हैं कैंटिलीवर ब्रिज के पास, एंड ये रहा हमारा MSRMM एक्सप्रेस जो कि कुछ मंडपम की तरफ से आ रहा है, एंड इट विल गो टू रामेश्वरम। इसी ट्रेन में हम लोग कल ही आए थे, एंड आप लोग कुछ देख सकते हो भाई वहाँ से आ रहा है भाई, मतलब इसका आई थिंक ज़्यादा स्पीड ये मेंटेन नहीं करता है, क्योंकि ड्यू टू जो ब्रिज है वो काफ़ी वीक है। एंड ये कैंटिलीवर ब्रिज के अंदर एंटर कर चुका है गाइस, डीजल लोकोमोटिव है। फ्रेम में आ पा रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं आ रहा हूँ ना तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि मैं ना वीडियो के लिए अपना जो भाई साहब जो मेरा आईफोन है उसको भाई मैंने कुछ इस तरीके से दाव पे लगा दिया भाई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो जो ये पोल है स्ट्रीट पोल है, एंड यहाँ पे मैंने रख के भाई कोशिश किया थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट अच्छा वीडियो कैप्चर वगैरह करने का। रास्ता कोई नीचे पानी ओ, मतलब समंदर का पानी हल्का हल्का रहेगा। और ये हमारे अभिक भैया काठ वाला चश्मा पहने हैं बैठे भैया, हाँ आज पूरा कैश है एकदम, छेला छेला पूरा खुश आछे। तो भैया जी, अगर देखोगे ना अभी बज रहे हैं शाम के 5:35 PM एंड अभी हम लोग रामेश्वरम के स्ट्रीट में घूम रहे हैं, एंड हमारे जस्ट फ्रंट में ही रामेश्वरम का टेंपल है कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सारे आपको देखने को मिलेंगे होटल सेंट वगैरह, हमारा जो होटल है वो कुछ यहाँ पे होटल अंबिका टाइप का, एंड यहाँ पे देखोगे तो हम लोग काफ़ी फ्रंट व्यू में ही है,
हमारे घर से या हमारे रूम से पकड़ लो, जो रामेश्वरम टेम्पल है वो जस्ट 130 मीटर्स है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे खाने वगैरह के शॉप भी है, एंड मतलब सब मेन जो रामेश्वरम बसता है वो कुछ इसी स्ट्रीट में बसता है। एंड भैया जी, कल जब मैं रामेश्वरम आया था ना, तो मेरे को एक काफ़ी अच्छा कोल्ड ड्रिंक शॉप दिखा था। एंड मतलब वहाँ पे एक इनका जो तमिलनाडु में एक इनका लोकल ही ये बनाते हैं, ठीक है। एंड ये काफ़ी अच्छा एक ब्रांड भी है, सिंस 1947 या कुछ भी, मैं आपको दिखाता हूँ। उसका नाम है जीगर का ठंडा, एंड मैंने पिया भाई, बहुत अमेजिंग था। मैं तो भाई इसको पहले पहले लस्सी वगैरह समझ रहा था। तो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जीगर का ठंडा, जीगर का ठंडा पार्सल, स्पेशल जीगर का ठंडा, ये सब पढ़ लो। 50 से स्टार्ट होता है, अराउंड 120 रुपीस तक जाता है। यहाँ पे सब एमएल्स वगैरह है, एंड ये कुछ आउटलेट ऐसा है, मतलब काफ़ी वेल मेंटेन है, फ्रीजर में है, ठीक है। एंड ये पूरा पूरी काजू को ग्राइंड करके बनाया हुआ है, काफ़ी ठंडा लगता है। रहा फेमस जिगर दा ठंडा का कार्ड, अगर कोई भी आता है रामेश्वरम मदुराई या चेन्नई, प्लीज कॉन्टेक्ट देम। एंड आपको ना सिर्फ आना है इस रामेश्वरम टेम्पल पे, एंड जस्ट यहाँ से आपको 50 मीटर डिस्टेंस में 50 या 25 यहाँ पे द फेमस जिगर दा ठंडा कुछ आउटलेट ऐसा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, कॉन्टेक्ट कर लेना। भाई भाई इधर का बस उसको देखो भाई, क्या ही ग्राफिक्स किया हुआ है भाई, मर्सिडीज। हो रहा है रात का ऑलमोस्ट 9 PM, एंड हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है क्योंकि डिनर का टाइम वगैरह भी हो गया, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। एंड आपको फिर से ये व्यू, मिरर वाला व्यू देखने को मिल रहा है, एंड हम लोग जिस होटल में रुके हैं उसके नीचे ही रेस्टोरेंट है। एंड हमारे कुछ जो भैया लोग आए थे उनका थोड़ा सा तबीयत वगैरह ख़राब हो गया, बट हमारा नहीं हुआ, तो हम लोग अभी बूम बाम ठूसेंगे, तो चलो चलते हैं। फाइनली ये हमारा प्लेट आ गया, ये रहा वेज फ्राइड राइस, ये रहा शाही पनीर, खा के बताता हूँ टेस्ट वगैरह कैसा है।